तो दिस वॉज द पॉइंट वेयर वी स्टॉप. हमें देखना था कि क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी क्या होता है. ठीक है, तो जब हम यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी के बारे में पढ़ेंगे तो इसका एक और भी नाम होता है, इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ जीनोगैमी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या डेफिनेशन होती है क्रॉस पॉलिनेशन की? जब भी पॉलिनेशन दो अलग फ्लावर्स के बीच में होगा जो कि दो अलग प्लांट्स को बिलोंग करते हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीजों का प्रेजेंस होगा, आपको यहाँ पे प्रेजेंट दिखाएंगे कि दो अलग प्लांट्स हैं, प्लांट वन एंड प्लांट टू. नाउ दे आर हैविंग देयर ओन फ्लावर्स, दैट इज फ्लावर वन एंड फ्लावर टू. और इनके बीच में अगर पॉलिनेशन होती है तब हम उसे कौन सी पॉलिनेशन कहते हैं? तब हम उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, एलोगैमी, या फिर इट इज कॉल्ड एज जीनोगैमी. क्लियर? तो इकोलॉजिकली अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन का जो कंसेप्ट है उसमें हमेशा ही दो अलग पौधों का और दो अलग फूलों का होना इम्पॉर्टेंट है. तो इसको आप ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन भी कह सकते हो. अब ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन बोलने का एक और भी सेंस है. आप देख रहे थे कि अलग अलग फूलों का पॉलिनेशन तो जिटोनोगैमी में भी हो रहा था, लेकिन जो जिटोनोगैमी होती है जेनेटिकली दैट वॉज आइडेंटिकल टू सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि वहां पे प्लांट एक ही होता था. बट क्रॉस पॉलिनेशन अगर आप देखेंगे तो प्लांट्स भी डिफरेंट होंगे, फ्लावर्स भी डिफरेंट होंगे, एंड दैट इज द रीजन कि जो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन है दैट इज कॉल्ड एज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर? नेक्स्ट आपको देखना है कॉन्ट्रीवेंसेस या अडेप्टेशंस जो कि क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए किसी भी फूल के अंदर होनी चाहिए. तो फर्स्ट फीचर जो यहाँ पे होना चाहिए फ्लावर के पास अगर उसको क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो वो है डाइक्लाइनी. ठीक है, अब वहां पर आपके पास मोनोक्लाइनी था, यहाँ पे आपके पास डाइक्लाइनी है. डिफरेंसेस भी देखते जाइए. तो डाइक्लाइनी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल कंडीशन का प्रेजेंट होना. ठीक है, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं कि डाइक्लाइनी का मतलब क्या है तो आप यहाँ पे इसका मतलब लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअलिटी. ठीक है, जब भी किसी फूल के अंदर आपको यूनिसेक्सुअल कंडीशन प्रेजेंट मिलेगी तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को कहा जाता है कि वो डाइक्लाइनिक कंडीशन है. तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रॉस पॉलिनेशन मैंडेटरी हो जाएगा. दैट इज वाई डाइक्लाइनी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन और फीचर. अब ये आपको डिफरेंट प्लांट्स में देखने मिलेगा, जैसे कि क्यूकम्बर में देखने मिलेगा, फार्म्स एंड डेट्स में देखने के लिए मिलेगा. ऑल राइट, देन वी हैव द नेक्स्ट अडेप्टिव फीचर जिसको कहा जाता है डाइकोगैमी. अब डाइकोगैमी जो है वो होमोगैमी था सेल्फ पॉलिनेशन में, याद है दैट वॉज होमोगैमी. तो होमोगैमी का ऑपोजिट यहाँ पर अडेप्टिव फीचर प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? डाइकोगैमी. बहुत सारे ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आप देखेंगे जिसमें जो स्टेमन एंड कार्पेल होता है वो एक टाइम पे मेच्योर नहीं होगा. ठीक है, तो अगर वो एक टाइम पे मेच्योर नहीं होगा तो उससे क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, आप सोचोगे कि मैम फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे? अरे भाई, आपने देखा कि स्टेमन कार्पेल सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हुआ, ऑल्दो वो एक ही फूल में थे तो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ. इन दैट केस जो पॉलन है दूसरे फूलों को तो दिया जा सकता है ना. उस पर्टिकुलर कंडीशन में डाइकोगैमी जो है वो किसको फेवर करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा. ठीक है, जहां पर भी आपको लगे कि मेरा स्टेटमेंट समझ में नहीं आया है प्लीज लेट मी नो. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पे हो जाएंगी चीजें बट आपको समझना है. मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि डाइकोगैमी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे फेवर करेगा. डाइकोगैमी की कंडीशन ये है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है प्लांट का उसमें स्टेमन कार्पेल दोनों है, हमें मालूम है. द कंडीशन इज कि वो दोनों के जो गैमेट्स हैं वो एक समय पर मैच्योर नहीं हो सके, एंड दैट इज द रीजन कि जो पॉलन है वो दूसरे फूलों के लिए अवेलेबल है जो कि दूसरे प्लांट बॉडीज पर लोकेटेड है. दैट विल बी द कंडीशन जहां पर डाइकोगैमी जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बावजूद भी किसको फेवर करेगा? वो फेवर करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को. ठीक है, ये वाला ऐसा कंसेप्ट है. नेक्स्ट इज कि डाइकोगैमी के दो अलग टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन
कि कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मेच्योर हो रहा है, ठीक है। तो से सपोज आपको पता चला कि बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो एंड्रोशियम है या फिर जो एंथर है या जो स्टेमेन है, वो वाला जो पार्ट है उसने पहले मेच्योरिटी ले ली। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ने पहले मेच्योरिटी ले ली है तो डाइकोगैमी का कौन सा टाइप होगा, जिसको आप कहोगे प्रोटैंड्री, ठीक है। डाइकोगैमी तो होगा, बट क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ने पहले मेच्योरिटी ऑक्यूपाई कर ली है, एंड दैट इज द रीजन दैट टाइप ऑफ डाइकोगैमी विल बी टर्म्ड एज प्रोटैंड्री, क्लियर। अगर आपको पता चला कि यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसने पहले मेच्योरिटी गेन कर ली है, तो उस कंडीशन में जो डाइकोगैमी होगी वो कौन से टाइप की होगी, वो होगी प्रोटोगाइनी, ठीक है। इसको आप प्रोटैंड्रस कंडीशन या प्रोटोगाइनस कंडीशन के नाम से भी पढ़ सकते हैं कुछ किताबों में, तो वो कुछ डिफरेंट नहीं है। प्रोटैंड्रस कंडीशन का मतलब प्रोटैंड्री हो रही है वहां पे, प्रोटोगाइनस कंडीशन का मतलब प्रोटोगाइनी हो रही है वहां पे, और इनका मतलब ये है अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया प्रोटैंड्री, अगर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया तो दैट कंसेप्ट विल बी कॉल्ड एज प्रोटोगाइनी, क्लियर। तो अगर आप प्रोटैंड्री ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो वो आपको सेल्विया में दिखेगा, सनफ्लावर में ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, कॉटन में भी ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। कॉटन की फैमिली बताइए, टू विच फैमिली कॉटन बिलोंग्स, कॉटन कौन सी फैमिली में आता है, कॉटन कौन सी फैमिली का मेंबर है, सोच के बताइए। तब तक हम प्रोटोगाइनस कंडीशन का जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोटोगाइनस कंडीशन में कौन से प्लांट्स आएंगे, मोस्टली जो क्रूसीफेरी फैमिली को बिलोंग करते हैं या रोजेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्रूसीफेरी फैमिली इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन है, ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको अभी देना है। सबसे पहले तो कॉटन कौन सी फैमिली में आता है, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज क्रूसीफेरी फैमिली जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन है, बताइए। मैलोस क्या होता है, मैलोस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सोलेनेसी, नो नो विशाल, नॉट एट ऑल। कोमल हैज गिवन करेक्ट आंसर, कॉटन जो है वो मैलवेसी फैमिली में आता है, ठीक है। कॉटन कौन सी फैमिली में आता है, कॉटन मैलवेसी फैमिली का मेंबर है, वेरी गुड कोमल। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूसीफेरी फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन है, यस वेरी गुड निकिता, इट बिलोंग्स टू मैलवेसी। अब ये बताइए कि क्रूसीफेरी फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन है। प्रतीक, मैं आपको सेल्विया का मतलब नहीं बता सकती क्योंकि वो एक प्लांट का नाम है, उसका और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कैबेज, नो। हु इज द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली, ओके क्रूसीफेरी फैमिली, नो कार्तिक। चाइना रोज जो है वो मैलवेसी फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। विच इज द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली, सीरियसली यू ऑल डोंट रिमेंबर, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। आज का होमवर्क ये है कि सारे लोग फाइंड आउट करेंगे दैट हु इज द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, विच प्लांट इज कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली। ओके फाइनली आई गॉट द आंसर फ्रॉम कोमल निकिता, ठीक है। आई गॉट द आंसर फ्रॉम कोमल एंड निकिता, दैट इज मस्टर्ड, वेरी गुड कोमल एंड निकिता। मस्टर्ड फैमिली है क्रूसीफेरी फैमिली, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैमिली। इसका इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्रूसीफॉर्म कोरोला का प्रेजेंस। फैमिली डिस्क्रिप्शन रिकॉल करिए, फैमिली डिस्क्रिप्शन से हर साल नीट में दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, रिमेम्बर। तो कम से कम जो इम्पोर्टेंट फैमिलीज हैं उनको रिकॉल करना या रिवाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो फीचर होना चाहिए क्रॉस पॉलिनेटिंग फूल के पास, वो होना चाहिए चैस्मोगैमी। तो चैस्मोगैमी तो यू हैव ऑलरेडी लर्न, मैंने आपको अभी अभी सिखा दिया था, ठीक है। तो हमने क्या सिखाया था, हमने सिखाया था यस दर्शन, आपने जो ब्रैसिकेसी बोला है ना बेटा, वो इसका नया नाम है, ठीक है। ओके लेट अस कम बैक टू चैस्मोगैमी। चैस्मोगैमस कंडीशन में आप देखेंगे तो चैस्मोगैमस कंडीशन में आपको ये पता चलेगा कि
क्या क्या चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर होता है ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, जो फूल है वो खिलेगा या फिर ओपन होगा। तो जब फ्लावर ब्लूम करेगा या फिर वो खिलता है या ओपन होता है, तो वहां पर उस कंडीशन को हम चार्ज्मोगेमस कंडीशन कहते हैं, या दैट इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ चार्ज्मोगेमस। तो जब यहाँ पे कोई भी फ्लोरल बड ब्लूम करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपको पता है कि दैट इज ओपन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अगर वो फूल खिला तो उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं, ठीक है, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो चार्ज्मोगेमी इज ऑल्सो वन ऑफ द अडैप्टिव फीचर जो आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट वाला जो अडैप्टिव फीचर आप याद रखेंगे, दैट विल बी हर्कोगेमी। ठीक है, हर्कोगेमी याद करना है। ओके, मुझे अभी किसी ने पूछा कि इट इज ऑल्सो नोन एज कैबेज फैमिली। येस, इट इज वेरी वेल नोन, और भी दूसरे जो मेंबर्स होते हैं उनके नाम से भी आप उन फैमिलीज को जान सकते हो, बट द मोस्ट कॉमन वन विल बी मस्टर्ड। ठीक है, तो इट्स वेल एंड गुड कि अगर दूसरे भी मेंबर्स आपको याद हैं। एक्चुअली इस पे नीट में जो क्वेश्चन आ चुका है वो मस्टर्ड फैमिली के नाम से आ चुका है, दैट्स व्हाई वी डिस्कस द टॉपिक। क्लियर, दूसरे एग्जांपल्स भी आएंगे। वापस आते हैं, अगला जो अडैप्टिव फीचर यहाँ पे होता है दैट इज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या दिखाई देता है, हर्कोगैमी में पता चलता है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जहां पर स्टेमेन और कार्पेल के बीच में ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स बन जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि किस तरह के मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर कुछ ऐसा होता है कि कोई दूसरा स्ट्रक्चर है जो कि ज्यादा ग्रो करके स्टेमेन और कार्पेल के बीच में आ चुका। ठीक है, या फिर आपको दिखाई देगा कि कोई इंसेक्ट वगैरह है जिन्होंने ये बैरियर क्रिएट कर दिया है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सम काइंड ऑफ मॉर्फोलॉजिकल बैरियर, मतलब कुछ रुकावट आनी चाहिए बिटवीन किसके बीच में, एंथर और स्टिग्मा के बीच में। ठीक है, तो जब उनके बीच में ये रुकावट आएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो स्टेमेन और कार्पेल हैं, भले ही वो सेम प्लांट में हो, सेम फ्लावर में हो, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर की वजह से उनका मीटिंग पॉसिबल नहीं होगा। उस कंडीशन में हर्कोगैमी का जो कंसेप्ट है दैट इज गोइंग टू फेवर द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर, तो कहाँ पर ये होता है, ये आपको ग्लोरियोसा में देखने मिलेगा, कैलोट्रोपिस में देखने मिलेगा। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जो है, बार बार मैं कह रही हूँ, आपका फूल, इसको याद रखिए। यहाँ पर आपके पास ट्रांसलेटर मैकेनिज्म भी होता है पॉलन ग्रेन के ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो वजह से इंपॉर्टेंट है, चार्ज्मोगैमी एंड हर्कोगैमी अगर क्लियर है, देन वी कैन मूव ऑन विथ हेट्रोस्टाइली। अब हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, स्टाइली वर्ड का मतलब होता है लेंथ ऑफ द स्टाइल और फिलामेंट। तो यहाँ पर डिफरेंस होगा स्टाइल के लेंथ में और फिलामेंट के लेंथ में, दोनों एक जैसे लंबे हो नहीं सकते। ठीक है, तो से सपोज आपको पता चला कि कोई ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर जो स्टेमेन है उसका फिलामेंट बहुत लंबा है बट जो स्टाइल है वो छोटा है, फीमेल पार्ट में जो स्टाइल है दैट इज स्मॉलर। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दैट फीमेल पार्ट में जो स्टाइल है उसकी लेंथ ज्यादा होगी और जो स्टेमेन है उसके फिलामेंट की लेंथ जो है वो शॉर्ट होगी। तो ये दोनों कंडीशन में ही आप देख रहे हो कि स्टाइल और फिलामेंट का जो लेंथ है दोनों के बीच में ग्रेडियंट सेटअप हो गया है, दोनों के बीच में डिफरेंस है उनके लेंथ में। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेट्रोस्टाइल। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर पॉलन ज्यादा हाइट में है तो विंड करंट की वजह से वो उसी फूल के स्टाइल में आने की बजाय या स्टिग्मा पे आने की बजाय दूसरे फूलों के पास उड़कर चला जाता है। क्लियर, और अगर आप ऐसा देख रहे हो कि जो छोटा है कौन फिलामेंट और स्टाइल अगर लंबा है तो भी क्या होता है कि एंथर उस तक इजीली नहीं पहुंच पाता है। तो इस कंडीशन में फेवर होती है क्रॉस पॉलिनेशन का कंसेप्ट, क्योंकि जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू पॉलन कहीं और जा सकता है। तो एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, प्रिमरोज होगा, प्रिमुला होगा, ऑल दिस विल बी एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोस्टाइल। नेक्स्ट विल बी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नाउ अगेन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट है मार्क करती जा रही हूँ,
जो आपको ध्यान से पढ़ना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसको हम सेल्फ स्टेरिलिटी के नाम से भी जानते हैं, या फिर इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है फ्लावर का, वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं कर पाता। अब जर्मिनेट करने का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। दिस इज स्टिग्मा, ठीक है, और यहाँ पर ओवरी होता है। आपको भी पता है कि जब पॉलिनेशन होगा तो जो पॉलन है वो यहाँ पर आएगा, और हमें मालूम है कि जब पॉलन यहाँ आता है तो दैट स्टार्ट्स फॉर्मिंग पॉलन ट्यूब, और इसी को हम पॉलन का जर्मिनेशन मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, दो चीजें होती हैं, या तो फिर ये पॉलन जर्मिनेट करेगा ही नहीं, दूसरी कंडीशन होती है कि पॉलन का जो पॉलन ट्यूब होता है वो स्टाइल के अगेंस्ट में बनने लगता है। ठीक है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में उसका फॉर्मेशन होता है। तो अगर पॉलन ट्यूब स्टाइल के अंदर नहीं बन रहा है, उल्टे डायरेक्शन में जर्मिनेट कर रहा है, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, क्या फर्टिलाइजेशन होगा वहां पर? नहीं होगा, क्योंकि पॉलन ट्यूब के अंदर ही तो मेल गैमेट है ना, और वो तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाके ग्रो कर रहा है, तो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। सेकेंड, कि अगर पॉलन ने जर्मिनेशन किया ही नहीं तो भी पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा, और तो भी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ सब कुछ प्रॉपर था, मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो थे एक जगह पे प्रेजेंट भी थे, दोनों मैच्योर भी सेम समय पे हो गए, पॉलिनेशन भी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई। फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जो पॉलन ट्यूब था कुछ टाइम पर वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे चला गया, और कुछ टाइम पर तो वो जर्मिनेट किया ही नहीं। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर इसको हम कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्लियर, ये कंडीशन कहलाती है इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो अभी यहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इतनी चीजें आपको यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में जाननी है। ऑल राइट, इसके बाद हमें क्या सीखना है, इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ और क्या क्या होता है इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर। तो यहाँ हमें दिखेगा कि कुछ पैरेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की वजह से ऐसा होता है, मतलब जो पौधा है उसके जीन्स में ही प्रॉब्लम होती है। अब वो प्रॉब्लम किसी भी जगह हो सकती है, या तो वो प्रॉब्लम एंथर पार्ट पे हो सकती है, या तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, बट आएगी उसके पेरेंट से ही। ठीक है, इसीलिए इसको हमें जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानते हैं या पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानते हैं। ऑल राइट, इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि जब भी ये इनकम्पैटिबिलिटी आप देखेंगे, ठीक है, तो ये जो इनकम्पैटिबिलिटी है, अगर आपको प्रॉब्लम मेल पार्ट में दिखाई दे रही है, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जेनेटिक टाइप में कोई प्रॉब्लम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तब इसको हम गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। इसको याद रखो, इफ द इनकम्पैटिबिलिटी इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसको हम गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी कहेंगे। इसी के ऑपोजिट में अगर आपको दिख रहा है कि जीनोटाइप किसका गड़बड़ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का या स्टिग्मा का, तब उसको हम स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से जानते हैं। ऑल राइट, तो दोनों कंडीशन यू शुड नो कि अगर जेनेटिक सेटअप एंथर का गड़बड़ है तो क्या कहा जाएगा, और अगर स्टिग्मा का प्रॉब्लम है तो क्या बोलेंगे। अब ये जो कंडीशन होती है, ये जो जेनेटिक चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ये किसी भी रीजन से हो सकते हैं। रीजन क्या क्या हो सकता है, या तो पॉलन जर्मिनेट ना किया हो, या तो फिर ग्रोथ रिटार्ड हो गई हो दोनों गैमेट्स की, या फिर इनकम्पैटिबिलिटी कब हो सकती है, जब डिसओरिएंटेशन हो जाए पॉलन ट्यूब का। डिसओरिएंटेशन मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करने लगे, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ है, कोई भी रीजन हो सकता है इनकम्पैटिबिलिटी के लिए। ऑल राइट, अब इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज जीनोटाइप से कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा जेनेटिक्स यहाँ पे आ जाएगा, और वो ये है कि यहाँ पर जो कंट्रोल होगा जीनोटाइप का, या जो गड़बड़ हो रही है
दैट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन्स विथ मल्टीपल एलिल्स. तो यहाँ पर कौन सा जेनेटिक कंसेप्ट एक्टिवेट हो गया आप लोग बताइए. विच जेनेटिक कंसेप्ट इज एक्टिवेटेड हियर. कौन सा जेनेटिक कंसेप्ट एक्टिवेट हुआ? मल्टीपल एलिलिज्म. ठीक है, उसके पहले यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं जो मैं क्लियर कर देती हूँ. जयदीप इज आस्किंग, मैम क्या हर बार प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे? नहीं जयदीप, बिल्कुल नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता. बहुत सारे समय पर मेल फीमेल गैमेट एक साथ मैच्योर होते हैं और बहुत सारे समय पर वो अलग अलग मैच्योर होते हैं. दोनों कंडीशन पॉसिबल है, कोई भी कंडीशन हमेशा नहीं होती. आदित्य का आंसर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कैबेज फैमिली वाला. Somebody is asking, मैम कल की टेस्ट में कहाँ तक आने वाला है? आप कौन है बेटा? आप सो के उठ रहे हैं अभी, बट फिर भी आई एम टेलिंग यू, मैंने पहले भी तीन चार बारी बता दिया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज एंड्रोशियम का पूरा डिटेल्ड अकाउंट, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका पूरा डिटेल्ड अकाउंट जो हमने कल की क्लास तक पढ़ा. ठीक है, लेक्चर 10 एंड 11, लेक्चर 11 SRIFP का जो लेक्चर 11 है वहां तक जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ पॉकेट टेस्ट में आएगा. ठीक है, ओके. नाउ दिव्या इज हैविंग अ डाउट, ऑपोजिट साइड में अगर जर्मिनेशन होता है तो आफ्टर सम टाइम इट विल डीजनरेट और नॉट? ऑब्वियसली इट विल डीजनरेट दिव्या. ठीक है, वो पक्का डीजनरेट होगा. उसका डीजनरेट होना फिक्स कंसेप्ट होता है क्योंकि ऑपोजिट साइड में वो ग्रो भी करेगा, वायबल भी होगा, बट दैट इज ऑफ नो यूज. ठीक है, फाइन. तो आगे चलते हैं. लास्ट वाला जो कॉन्ट्रीवेंस होता है यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वो होता है प्रीपोटेंसी. अब ये प्रीपोटेंसी क्या है वो जान लेते हैं. प्रीपोटेंसी का मतलब होता है कि जो ग्रोथ होगी पॉलन ट्यूब की सेल्फ पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन के अंदर वो स्लो होती है, और जो क्रॉस पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है दैट इज वेरी फास्ट. तो यहाँ पे एक्चुअली आपका जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है दैट इज ग्रोथ रेट. ठीक है, वो क्या है? ग्रोथ रेट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, और ग्रोथ रेट भी किसका? पॉलन ट्यूब का. तो जब आप सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट देखेंगे तो वहां पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो ज्यादा होती है, और क्रॉस पॉलिनेशन के टाइम पे, सेल्फ पॉलिनेशन के टाइम पे वो स्लो होती है. तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो फेवर किया जाएगा और सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसको रोका जाएगा. ये भी वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. ऐसा आपको एप्पल या ग्रेप्स में देखने के लिए मिलेगा. तो विद दिस वन आज का जो टॉपिक है ये क्लोज हो रहा है. अब जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा देन वी आर गोइंग टू डील ऑफ विद अदर मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, जहां पर आप पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में सीखोगे, पॉलिनेटर्स के बारे में सीखोगे, एंड उसके अलावा हम डील करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पॉलिनेशन के साथ खत्म हो जाएगा. तो उसके बाद हमारा क्या टॉपिक होगा? उसके बाद हमारा टॉपिक होगा डबल फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन. तो नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे लोग उसको अटेंड करने की कोशिश करिएगा. इनकेस आप अटेंड ना भी कर पाए तो प्लीज रिफर टू द रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ऑलराइट.